हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि ये ब्रश कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन सा ब्रश कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो चलो देखेंगे। अभी इधर हमारे पास 5 ब्रश है, 2 ब्रश और 3 पैड है। तो कौन सा किस तरह तो यूज़ होता है वो आपको बताएंगे। ये जो ये पैड है, ये कारपेट शैम्पू के लिए, ये सॉफ्ट पैड है। ओके, ये शैम्पू के लिए यूज़ करने का ये ब्रश, शैम्पू का ब्रश ही कारपेट शैम्पू। एक हो गया, अभी उसके बाद में दूसरा। ये जो ब्रश है फ्लोर स्क्रब करने के लिए, ये ज़्यादा हार्ड है। ये पहले देखा ये मुलायम है, सॉफ्ट ब्रश है एकदम बालों जैसा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ज़्यादा हार्ड है। ये हार्ड फ्लोर स्क्रब करने के लिए, पार्किंग एरिया है, जो बाथरूम एरिया है, पब्लिक एरिया जहाँ पे हार्ड स्टाइल है, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। दो ब्रश हो गए, अभी उसके बाद में पैड को देखेंगे। ये वाइट पैड है, 3 mm पॉलिश के लिए। ये पॉलिश के लिए मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा उसको कैसे यूज़ करने गए। सब ब्रश आपको एक 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 दिन दिखाऊंगा कौन सा किधर यूज़ होता है। ये पॉलिश के लिए, उसके बाद में रेड वाला है बफिंग करने के लिए, ये बफर पैड है रेड वाला, ये भी 3 mm का है, दोनों भी 3 mm के, पॉलिश का है और ये बफिंग का है। दोनों की थिकनेस भी सेम है, डिफरेंट। ये थोड़ा वाइट वाला है ना, ये थोड़ा सॉफ्ट है, और जो ये वाला है ना रेड वाला, ये हार्ड है और थोड़ा ये रफ है, उसका जो ऊपर का है ना ये रफ है, आपको दिखेगा नहीं शायद वीडियो में, ये सॉफ्ट है, और ये जो रेड वाला है ये ज़्यादा हार्ड है। तो वाइट वाला हो गया पॉलिश के लिए, ये हो गया बफिंग के लिए। ओके, तो और एक हेड बचे, इसको ओपन करेंगे। इसका पूरा स्टील बाहर आता है, स्टील वाले बैठे भी। आप जब पॉलिश कर रहे हो, पॉलिश करते हो तो फ्लोर शाइन नहीं हो रहा है, चमकता नहीं, कभी कभी स्टेन है, डर्टी है, ऐसा ऑयली सा है, तो निकलता नहीं। तो आप ही इसको यूज़ करने का, ये स्टील वूल पैड को, ये तार का बना हुआ है, तार का पूरा, सब तार है इसमें, देखो तार है पूरी, तार का ब्रश है, हार्ड ब्रश है। इसको पॉलिश के लिए फ्लोर शाइनिंग आता है इससे। स्टील वूल पैड जब आप यूज़ करोगे तो फ्लोर बहुत चमकता है।